नमस्कार भाइयों, क्या हाल चाल। आपको मैं बताता हूँ, अगर आपकी सिम खो गई है, जियो की सिम अगर है आपके पास, अगर खो गई है तो आपको क्या करना है। कुछ भी नहीं करना है, सीधा सिंपल सी बात है, कोई कॉल नहीं करनी, कस्टमर केयर पे भी बात नहीं करनी। आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से उसको सिम को बंद करा सकते हो। तो आप वीडियो में बने रहना और ध्यान से वीडियो को देखना, जो आपको समझ में सही से और ढंग से आ जाए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो हमें आपको बता रहा हूँ, तो मैं करना क्या है, ये देखो क्रम ब्राउज़र आया हुआ है मोबाइल पे, तो इसको हमने क्या किया, क्लिक कर दिया है, ठीक है। सिम बंद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये लॉगिन गूगल लिख के आ जाएगा, तो गूगल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखना है आपको माई जियो, माई एम बाई सॉरी भाई एम बाई यार सॉरी भाई सॉरी 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 मोबाइल भाग रहा है, माई जियो लॉगिन। देखो हमारे पे लिख के ही आ गया है, तो आपको लिखना यही है माई जियो लॉगिन, ठीक है। इस पर हमने क्या किया, क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही क्या हुआ, यहाँ पे लॉगिन लिख के आ चुका है, तो हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। और बने रहना, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये दोनों, एक तो थ्री डॉट आ गया, एक इधर लोगो आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से अगर लॉगिन करोगे तो डायरेक्ट आपका अपना लॉगिन हो जाएगा, लेकिन आपकी सिम खो गई है तो आपको लॉस यानी कि बंद करवानी है, तो आपने लोगो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लोगो पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे नंबर डालने के लिए आएगा, लेकिन आपको नंबर यहाँ नहीं डालना है। यहाँ पे देखो लिख के आया लॉगिन और द लॉस्ट सिम, ठीक है। तो आपने लॉस्ट सिम पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एक मिनट, मतलब कुछ और ही है, यहाँ लॉस्ट पे हमने क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही हमारे पास देखो जियो वाईफाई लिंक, और ये देखो लॉस्ट सिम है तीसरे नंबर पे, ठीक है। इस पे आपने क्या करना, क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही देखो कुछ थोड़ी देर घूमेगा, फिर इसमें लिख के आएगा लॉस्ट सिम कार्ड लॉगिन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी लॉगिन मतलब खो गया है नंबर, वो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन का मतलब यहाँ नंबर डाल देना। डालने के बाद क्या होगा, यहाँ प्रोसेस पे क्लिक कर देना। प्रोसेस पे क्लिक करते ही आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, लास्ट के चार अंक, और उसके बाद क्या करेगा, आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ भी मांगेगा आपसे चार अंक, ठीक है। वो डालते ही यहाँ पे आप प्रोसेस, फिर दोबारा से प्रोसेस आएगा, पहले नंबर डाल के प्रोसेस आ रहा है, ये देखो हमने दिखाया, और फिर बाद में फिर से प्रोसेस आएगा नंबर डालते ही, वही वाला, और आधार कार्ड के नंबर डाल के दोबारा से आप प्रोसेस पे क्लिक कर देना। और क्लिक करते ही वो बोलेगा कि आपका सिम लॉस, ये नहीं कि अगर सब कुछ मैच हो जाएगा ना तो आपका बंद हो जाएगा सिम, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ और उससे आधार कार्ड के लास्ट के चार अंक से मांगेगा, ठीक है। तो आपकी यहीं से सिम बंद हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अगली बार किसी और वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जानकारी अच्छी हो तो पक्का लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है गाइस। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक जय हिंद जय भारत।